वेलकम दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि आईएमएस डैशबोर्ड का जो नया फंक्शन था वो जीएसटी पोर्टल पर अब लाइव हो चुका है। तो इस आईएमएस डैशबोर्ड के अंदर हमें कौन कौन से रिपोर्ट्स हमें शो होंगे और कौन कौन से रिपोर्ट्स को अपने को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, पेंडिंग रखना है, तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे ही सबसे पहले अपने जीएसटी पोर्टल पर जाके लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद में आपको सर्विस टैब पे जाना है। सर्विस टैब पे जाने के बाद रिटर्न ऑप्शन पे जाना है और रिटर्न के बाद हमें यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा आईएमएस डैशबोर्ड का यानी कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का। जैसे ही अपने इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये जो ऑप्शन है ये केवल हमारे इनवर्ड सप्लाई के लिए डैशबोर्ड बना हुआ है। और ये इनवर्ड सप्लाई किसकी मानी जा रही है, ये डैशबोर्ड टू यू यानी कि आपने ये जो डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा ये उसके अंदर वही रिकॉर्ड्स शो होंगे जिनकी जो आपके सप्लायर है उन्होंने अपनी जी एस टी आर वन के अंदर या फिर आई एफ एफ के अंदर, वन ए के अंदर या जी एस टी आर फाइव या जी एस टी आर सिक्स के अंदर अपनी रिपोर्टिंग करी होगी, तो वो आपका रिकॉर्ड आपके आई एम एस डैशबोर्ड के अंदर दिखाई देगा। तो जैसे ही अपने इनवर्ड सप्लाई पे जाके व्यू पे क्लिक करेंगे तो व्यू पे क्लिक करने के बाद में एक इन्फॉर्मेशन का पॉपअप विंडो एक ओपन होगी जहाँ पर एक सिंपल बात लिखी हुई है, बी रिकॉर्ड वेयर नो एक्शन इज टेकन बाई टैक्स पेयर विल बी कंसिडर्ड एज डिमेड एक्सेप्टेड फॉर जी एस टी आर टू बी जनरेटेड यानी कि इस आई एम एस के अंदर जो हमें ऑप्शन मिलेंगे एक्सेप्ट करने का, रिजेक्ट करने का और पेंडिंग रखने का, अगर अपनों ने इसके अंदर तीनों में किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया तो जो बाई डिफॉल्ट आपका जी एस टी आर टू बी के अंदर जितना आई टी सी आर है वो ऑटोमेटिक जी एस टी आर टू बी में आ जाएगा, टू बी से आपकी जी एस टी आर थ्री बी के अंदर ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। अपने सिंपल इसको ओके करने, तो जैसे ही अपने ओके करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमें आईएमएस डैशबोर्ड दिखाई देगा इनवर्ड सप्लाई वाला, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ हमारी टोटल 8 टेबल्स रहेंगी, 8 टेबल के अंदर कुछ ये हमारे रिकॉर्ड्स है जो हमें दिखाई देंगे। सबसे पहला बी टू बी इनवॉइस यानी कि जो हमने गुड्स परचेज किया था हमारे सप्लायर से उनके इनवॉइस, ओरिजिनल इनवॉइस या फिर बी टू बी इनवॉइस अमेंडमेंट किए हुए यानी कि कोई अमेंडमेंट इनवॉइस है वो भी हमें आईएमएस डैशबोर्ड के अंदर दिखाई देंगे। ओरिजिनल आपके डेबिट नोट भी इसके अंदर दिखाई देंगे जो आपके सप्लायर के द्वारा इशू किए हुए हैं या फिर आपके जो कुछ ऐसे डेबिट नोट जो अमेंडमेंट हुए हैं वो भी आपको दिखाई देंगे। ओरिजिनल क्रेडिट नोट और ओरिजिनल जो क्रेडिट नोट अमेंडमेंट किए हुए हैं वो भी इसके अंदर दिखाई देंगे। और इसके साथ साथ ई कॉमर्स के जो इनवॉइस है सेक्शन 95 वाले वो भी आपको दिखाई देंगे, अगर उसके अंदर भी कोई अमेंडमेंट हुए हैं तो वो भी आपको इस आईएमएस डैशबोर्ड के अंदर दिखाई देंगे। तो अब यहाँ पर आपको जो रिकॉर्ड्स हैं टोटल रिकॉर्ड्स आपको यहाँ दिखाई देंगे जिसके अंदर आपने एक्सेप्ट का, रिजेक्ट का और पेंडिंग तीन ऑप्शन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपने नहीं किए तो ऑटो पॉपुलेटेड आपकी टू बी जनरेट और टू बी से आपके ऑटो पॉपुलेटेड थ्री बी के अंदर आपका आई टी सी शो करना स्टार्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट आपको कौन सा करना है, ऐसे इनवॉइस जिसने आपने गुड्स परचेज किया या कोई सर्विस आपने परचेज करी है जिसका आई टी सी आप लोगे उसको एक्सेप्ट करना है, या ऐसा कोई इनवॉइस जो आपकी कंपनी का है ही नहीं या गलती से आपकी जी एस टी आर वन के अंदर किसी ने रिफ्लेक्ट कर दिया वह इनवॉइस का आप इनपुट लेना नहीं चाहते तो आप इसको रिजेक्ट करोगे, या फिर पेंडिंग, पेंडिंग का मतलब हो गया कोई ऐसा इनवॉइस जिसका आई टी सी लेने में अभी भी थोड़ा सा सस्पेंस है भी इसका आई टी सी हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा तो उसको आप एक बार पेंडिंग भी रख सकते हो। और नो एक्शन का मतलब हो गया भी आपने न तो उसको एक्सेप्ट किया, नहीं आपने उसको रिजेक्ट किया और नहीं आपने उसको कोई पेंडिंग की स्थिति के अंदर छोड़ा है, तो वो आपके नो एक्शन के अंदर भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, भी टोटल रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पर काउंट होंगे। लेकिन यहाँ अभी आप देख रहे हो सभी के अंदर जीरो जीरो आ रहा है यानी कि कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो उससे पहले अपने एक बार इसकी एडवाइजरी जरूर पढ़ेंगे जो कि जी एस टी पोर्टल पर आपको दिखेगी, न्यूज़ एंड अपडेट पर जाएंगे और यहाँ डिपार्टमेंट की तरफ से 14 अक्टूबर को आईएमएस के जरिए आईएमएस का एक एडवाइजरी जारी किया था और इस एडवाइजरी के अंदर क्या लिखा है उसके ऊपर अपने एक बार फोकस करते हैं। तो यहाँ पर जो इनवॉइस मैनेजमेंट इनवॉइस सिस्टम लिखा हुआ है भी ये जो है आपका 14 अक्टूबर से अवेलेबल हो गया है, ठीक है। और इस सिस्टम फंक्शन के अंदर जैसा अभी आपने डिस्कस कर लिया भी जो हमारा सप्लायर है उन्होंने अपने जी एस टी आर वन के थ्रू जितना हमारा रिकॉर्ड उन्होंने रिपोर्ट करी है वो सारा हमें आईएमएस के थ्रू दिखेगा जिसे हम यहाँ से जो हमारा करेक्ट आईटीसी है उसको अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो फंक्शन है ये जो आईएमएस है ये हमें प्रॉपर सही तरीके से काम कब करेगा
14 नवंबर 2024 से, यानी कि जब अपने अक्टूबर 2024 की जीएसटी 3B को फाइल कर रहे होंगे तब अक्टूबर वाले इनवॉइसेज हैं वो हमें 14 नवंबर के आईएमएस डैशबोर्ड के अंदर दिखाई देंगे। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ ना ये बड़ा बी एक्शन बी इनवॉइस रिफ्लेक्टिंग ऑन आईएमएस फ्रॉम 14 अक्टूबर द फर्स्ट जीएसटी 2B वुड बी जनरेटेड फॉर दी रिटर्न पीरियड अक्टूबर 2024, 14 नवंबर 2024 को, यानी कि अक्टूबर 24 वाले रिटर्न के 14 नवंबर के अंदर में दिखाई देंगे। भी अगर इसके अलावा हमारे कोई भी एक्शन नहीं देगा बी टेकन एक्शन ऑन इनवॉइस ऑन आईएमएस डैशबोर्ड बी जनरेटेड टू बी, मतलब टू बी के लिए अगर आप उन्होंने कोई भी एक्शन वहाँ पर नहीं दिया, जैसे आपने डिस्कस किया नहीं तो रिजेक्ट किया, नहीं हमने कोई पेंडिंग छोड़ा, नहीं उसको एक्सेप्ट किया, तो वो ऑटो पॉपुलेटेड हमारा आईटीसी है जो माना जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर अपने वापस चलते हैं रिटर्न पे डैशबोर्ड पे जाएंगे और इस डैशबोर्ड के अंदर आपको यहाँ पर एक व्यू एडवाइजरी है, इस व्यू एडवाइजरी पर जैसे अपने क्लिक करेंगे तो ये एक एडवाइजरी हमारे सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर भी आईएमएस डैशबोर्ड के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके दिशा निर्देश है वो यहाँ पर दिए गए हैं भी आपको किस कंडीशन के अंदर तो इनवॉइस को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है और पेंडिंग रखना है, और कौन कौन से आपके जो रिपोर्ट्स है वो आपको आईएमएस डैशबोर्ड के ऊपर शो होगी, सारी रिपोर्ट्स आपको नहीं शो होगी, कौन कौन सी होगी और कौन कौन से को आप चाहकर भी रिजेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि कौन कौन से ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो हमारे पोर्टल पे आ रही है लेकिन उसको अपने रिजेक्ट आप नहीं कर सकते, तो वो सारी की सारी एडवाइजरी आपको इस आईएमएस डैशबोर्ड के अंदर हमें इस व्यू एडवाइजरी पे जाके आप क्लिक करोगे तो वहां पर आप लोगों को ये सारी बातें दिखाई देगी।